आजकल हम लोग जिस टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, 2001 में ब्लूम के अन्य साथियों में एंडरसन और प्रथवाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उन्होंने इस टेक्सोनॉमी को बहुत इफेक्टिवली रिवाइज किया। और रिवाइज इसलिए किया क्योंकि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी वो नाउन ओरिएंटेड थी, उसको एक्शन ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया गया रिवाइज वर्जन में। और अगर आप ये चित्र देखें जो मैंने इंटरनेट से लिया है और मैंने उसका सोर्स भी नीचे दे रखा है, इनके सिक्स लेवल, आप जरा ब्लूम के सिक्स लेवल याद करिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। बट यहां क्या है, नॉलेज को उन्होंने रिप्लेस किया रिमेंबर से, कॉम्प्रिहेंशन को रिप्लेस किया अंडरस्टैंड से, एप्लीकेशन अप्लाई रहा, एनालिसिस एनालाइज रहा, इवेल्युएट पहले आ गया और सिंथेसिस को उन्होंने कर दिया क्रिएट। सो दीज न्यू टर्म्स आर नाउ इन प्रैक्टिस। बट नॉट ओनली दीज न्यू टर्म्स, I will also tell you what new things are associated with these new terms. Only then you will be able to formulate a good objective. So let us see what is there in these terms. Remember, slide में नीचे की तरफ देखिए क्योंकि hierarchical order है, तो पहले bottom में remember आता है। List, recite, outline, define, name, match, quote, recall, identify, label, recognize. ये सारे एक्शन वर्ब्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिसाइट न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट समथिंग, राइट। तो इस तरह के एक्शन वर्ब्स हम रिमेंबर लेवल पर यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिस्क्राइब, प्लेन, पैराफ्रेज, रीस्टेट, गिव एग्जांपल्स, समराइज, कंट्रास्ट, इंटरप्रेट, डिस्कस। जैसे एग्जांपल देखिए, By end of this lesson, the students will be able to describe Newton's three law of motion in his or her own words. के विद्यार्थी अपने शब्दों में न्यूटन के तीनों नियमों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंड लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा। अप्लाई, कैलकुलेट, प्रिडिक्ट, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। अप्लाई, सॉल्व, इलस्ट्रेट, यूज, डिमॉन्स्ट्रेट, ये अप्लाई लेवल की। एग्जाम्पल देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन The student will be able to calculate the kinetic energy of a projectile. So, अगर उसको किसी प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ाया गया है एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो इफ ही और शी इज एबल टू कैलकुलेट, देन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज और एप्लीकेशन व्हाट ही और शी हैज लर्न। देन कम्स द एनालिसिस और एनालाइज, सो इट इंक्लूड्स क्लासीफाई, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज, एनालाइज, डायग्राम, इलस्ट्रेट, क्रिटिसाइज, ये इस तरह की भाषा हो। इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन सी इवेलुएट, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू चूज, सपोर्ट, रिलेट, डिटरमाइन, डिफेंड, जज, ग्रेड, कंपेयर, कंट्रास्ट, आर्ग्यू, दीज आर द एक्शन वर्ब्स फॉर इवेलुएट लेवल। सिमिलरली फॉर क्रिएट लेवल, The action verbs are design, formulate, build, invent, create, compose, generate, etc. By the end of this lesson, the student will be able to design an original homework problem. So again, it is a good example. So these are few examples of the action verbs in the new taxonomy. But the new taxonomy has something additional. Why I'm saying this? Because in earlier Bloom's taxonomy, there was only one dimension. That was the domain. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation, and there were certain action verbs. तो हम देख लेते थे, हमें knowledge level का objective बनाना है, comprehension level का बनाना है, बना लेते। But जो revised taxonomy आई 2001 में, खासतौर पर Bloom के cognitive domain, इसने दो आयामों पर बात। तो उसका पहला आयाम था knowledge dimension। इन्होंने कहा हर एक objective के दो आयाम होते हैं। पहला होता है किस तरह की knowledge विद्यार्थी पाएगा। तो जो नॉलेज डायमेंशन है उसके चार सब पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव, तथ्यात्मक, संप्रत्यात्मक, प्रक्रियात्मक और परासंज्ञानात्मक। ठीक, बाकी तो हम लोग समझ जाते हैं। कई बार मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो किसी ने डिफाइन किया दैट मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इन्वॉल्व्स द नॉलेज अबाउट कॉग्निशन इन जनरल As well as awareness of and end knowledge about one's own cognition. So, हम लोग कहते हैं knowledge about the knowledge.
कॉग्निशन अबाउट योर ओन कॉग्निशन इज मेटाकॉग्निशन। मुझे ये पता है, ये मैं विद्यार्थियों को बता सकता हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो पता है वो कितना सही पता है। Whether that is correct or not, who will evaluate? I myself will evaluate. That is my metacognition. Factual, जिसमें factual में आता है knowledge of terminology, knowledge of specific details of the elements. फिर conceptual level है, जिसमें knowledge of classification and categories, knowledge of principles and generalization, knowledge of theories, models and structures, ये सारी चीजें आती हैं, और self knowledge आती है। तो नॉलेज डायमेंशन के चार आयाम हुए, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निटिव। फैक्चुअल में आता है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, एलिमेंट्स, फैक्ट्स। कंसेप्चुअल में आता है क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, थियरीज, मॉडल, स्ट्रक्चर्स। प्रोसीजरल में आता है स्किल्स, एल्गोरिथम्स, प्रोसेसेस, टेक्निक्स, मेथड्स। देन मेटाकॉग्निटिव में आती है स्ट्रेटजिक नॉलेज, नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क, कंडीशनल नॉलेज एंड सेल्फ। ठीक, दूसरा डायमेंशन है कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव के दो डायमेंशन होते हैं, पहला नॉलेज डायमेंशन जिसमें चार तरह की नॉलेज आती है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव। दूसरा डायमेंशन है कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन। कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन के छह आयाम जो रिप्लेस किए ब्लूम टैक्सोनॉमी में, बाद में जिनको रीनेम किया गया, वो है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज एंड इवैल्यूएट एंड क्रिएट। और उनको फर्दर डिवाइड किया गया, रिमेंबर में आता है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग में आता है इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन्फरिंग, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग। अप्लाइंग में आता है एग्जीक्यूटिंग, इंप्लीमेंटिंग। एनालाइजिंग में आता है डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग। इवेलुएट में आता है चेकिंग, क्रिटिकिंग। क्रिएट में आता है जनरेटिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग। तो जब हम कोई भी उद्देश्य बनाए तो आप इस ब्लैंक टेबल को ध्यान रखिए। इस ब्लैंक टेबल के जो वर्टिकल डायमेंशन है, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, उस पर मैंने दोनों को रखा है। एक पर मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस स्किल्स रखी है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और एक पर मैंने नॉलेज डायमेंशन रखा है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव। अब आप किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए, आप चाहे तो मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप कोई भी एक उद्देश्य लिखिए और फिर ये देखिए कि उस उद्देश्य में आप क्या जानना चाह रहे हैं, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर या कुछ मेटाकॉग्निटिव, और वो किस लेवल पर जानना चाह रहे हैं। क्या उसको फैक्ट की रिमेंबरिंग आप करा रहे हैं, फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, फैक्ट का एप्लीकेशन है, फैक्ट की एनालिसिस है, फैक्ट का इवैल्यूएशन है या समथिंग क्रिएटिव। कंसेप्ट की रिमेंबरिंग है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। तो ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी सिंगल डायमेंशन की बात करती थी, बट दिस एंडरसन टैक्सोनॉमी इट टॉक्स अबाउट बोथ द डायमेंशंस, दैट इज द नॉलेज डायमेंशन एंड द प्रोसेस डायमेंशन। सो एवरी ऑब्जेक्टिव विच यू विल फ्रेम following the new Anderson's taxonomy should have both the dimensions, means it should have fact, concept, procedure or metacognitive type of knowledge, and it should be at least at any one cognitive level, that is remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. तो आप 5-6 ऑब्जेक्टिव बनाइए अलग अलग भाषा में और जरा इस टेबल को फिल करके देखिए कि आपने किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। या मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, आप बाद में उन एग्जाम्पल्स को भी इस टेबल में फिल करके इस एक्टिविटी को खुद करके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस एक्टिविटी को खुद करेंगे नहीं तब तक आपको इसकी समझ और बेहतर विकसित होगी नहीं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, लिस्टिंग द टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं के प्रकारों की सूची बनाना, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है। लिस्टिंग किस में आएगा, रिमेंबरिंग में आएगा। और टाइप्स ऑफ मैटर सबको पता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, मींस फैक्ट है, तो रिमेंबरिंग और फैक्चुअल में आप उसको प्लेस कर सकते। डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, हो सकता है आप एक एग्जांपल बनाए दैट लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी, तो डिफाइनिंग किस में आएगा, अगेन रिमेंबरिंग में आएगा, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट है, तो ये फैक्चुअल नहीं होगा, ये कंसेप्चुअल रिमेंबरिंग होगा। सो एवरी ऑब्जेक्टिव हैज one part of knowledge dimension and one part of process dimension. So your objective can be factual remembering, factual understanding, factual applying. Your objective can be conceptual understanding, conceptual applying, conceptual analysis. तो याद करिए, पहले जब हम lesson plan बनाते थे तो हम objective में लिखते थे, ये knowledge level का objective है, ये understanding level का objective है, ये application level का objective. अभी हम दोनों चीजों को रख, remembering, conceptual, yes, right? एक और objective देखते हैं,
डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत में अंतर बता पाना. द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव है. सो वेयर इट कम्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर टू कंसेप्ट्स, सो इट इज कंसेप्चुअल लेवल. बट वेयर कम्स द डिस्टिंग्विशिंग, वेदर इट कम इन रिमेंबरिंग और इट कम इन अंडरस्टैंडिंग और इट विल कम इन एनालाइजिंग. सो डिस्टिंग्विशिंग इज कमिंग इन एनालाइजिंग. यू गो टू द गो बैक टू द एक्शन वर्ब्स. सो योर ऑब्जेक्टिव विल बी कंसेप्चुअल एनालाइजिंग, राइट? गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेस, काइंड ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है. एक्सप्लेनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सुगर इन वॉटर, इट इज अ प्रोसेस, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज अ प्रोसेस मेकिंग अ सोल्यूशन. अगर हम केवल सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करा रहे होते तो ये कंसेप्चुअल होता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है. बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सुगर इन अ वॉटर इज अ प्रोसेस वेयर वी नो दैट एट वॉट टेम्परेचर हाउ मच सुगर विल बी सॉल्युबल इन हाउ मच वॉटर. सो देन इट इज अ प्रोसीजरल नॉलेज, राइट? सो यू ऑलवेज put both things together, and if you do this exercise and if you are able to put it correctly, I am sure you will be able to frame very good learning objectives, and nobody will ever question your learning objectives, whether you are making it for your lesson plan or your question paper or even for any chapter or unit which you are going to write in future as a writer. Because even if we write a lesson in a textbook or in any book, we always frame certain objectives. Comparing the animal cell with plant cell, I have taken many examples from science, mathematics and other subjects, like solving a numerical problem using more than one formula. It is not applying, it is creating. Agar teacher ne jo formula bataya hai, us mathematics ke formula ko istemal karte hue koi student numerical problem solve kar raha hai, to wo applying hai. But agar wo ek se zyada formula use kar pa raha hai, then it is creating, right? Let's see a few more examples. Inferring a conclusion from a graph. Making a device from household goods to explain any scientific phenomena. Designing a role play to demonstrate relation of the consumer and manufacturer. Many examples, many such examples have been already given in our study material also. So if you will go to our study material, you will find a number of examples we have given there for each dimension. Here I have taken a few from different material. So few examples I have taken from science, few I have taken from mathematics, few I have taken from social science, so that every one of you can find and do this exercise. Then comes how to write an object. Ek uddeshy likhe kaise? Uddeshy kitne prakar ke ho sakte hain? Khas taur par knowledge dimension, jo cognitive dimension hai Bloom ka, uske kya ayam hai? What are six dimension in original Bloom taxonomy? What are six dimension in revised taxonomy? I have discussed all that. Actually, there was a very good pedagogue called Meagher, and Meagher identified three important characteristics of an objective. Meagher ने कहा कि जब हम कोई उद्देश्य लिखते हैं तो उसके तीन महत्वपूर्ण आयाम होते हैं. पहला आयाम है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मेंस. विद्यार्थी क्या करेगा? लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन, लर्नर विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, लर्नर विल बी एबल टू क्रिएट, लर्नर विल बी एबल टू लिस्ट, लर्नर विल बी एबल टू टेल, लर्नर विल बी एबल टू मॉडिफाई, लर्नर विल बी एबल टू डिजाइन, लर्नर विल बी एबल टू साइट एग्जाम्पल्स. सो दीज आर डिफरेंट स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स. देन द सरप्लस चांसेस अंडर विच लर्निंग अकर्स, अर्थात कंडीशन. याद करिए ABCD ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, जहां मैंने बात किया था ऑडियंस, बिहेवियर, डिग्री एंड कंडीशन. सो Meagher इज ऑल्सो सेइंग दैट कंडीशन इज अ गुड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. देन द एलिमेंट विच स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ प्रोफिशियंसी. यहां Meagher ने उसको क्राइटेरिया कहा, ABCD में हमने उसको डिग्री कहा. तो अगर ये तीन चीजें, परफॉर्मेंस, कंडीशन और क्राइटेरिया, किसी भी ऑब्जेक्टिव में है तो वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव माना जाता है. आइए फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या है. Learners will be able to understand the phenomena of heat. Do you think it is a good objective? I don't think so. Why? The first problem with the objective is understand. Understand is not a action verb which can be measured. इसलिए ये अच्छा example इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने understanding शब्द का प्रयोग किया है जो measurable action verb नहीं है. दूसरे, the phenomena of heat. The phenomena of heat is so broad. What they will be able to understand in heat, the meaning of heat, the definition of heat, the thermal properties of heat, the difference between hot and cold, the measurement of heat, what? Multiple things are there.
So this is a very vague objective. That's why we will not say that it is a good object. Let us see one more object. The learners will be able to list the hot and cold items based on their daily experiences. Now you see this example. List of hot and cold items. So this is a specific thing which they need to do. And on what basis? On the basis of their daily experiences. Let me go back to three criteria. Performance, condition, and criteria. So what is here in the second objective? The performance, to make a list. On the basis of what? On the basis of their daily experiences. But where is the assessment criteria? It is missing. So now you see this example. Learners will be able to list the three hot and three cold items based on their daily experiences at home. Now you compare all three objectives for the same thing. Learners will be able to understand the phenomena of heat. Learners will be able to list the hot and cold items based on their daily experiences. And learners will be able to list the three hot and three cold items based on their daily experiences at home. So which objective you will prefer as a good objective, or the better or best objective? And out of these three, I will prefer the third one. Why? Because it has all three criterias. It has criteria, it has performance, it has place. Learner kya kar payenge? List bana payenge. लिस्ट में कितने रखने? तीन तीन. हमें पता है उनसे तीन तीन अंतर ही पूछने. अगर आप पहले वाला ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि दे विल बी एबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड आइटम्स, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने तीन तीन आइटम की लिस्ट बनाई, किसी ने पांच पांच की लिस्ट बनाई, किसी ने दस दस की लिस्ट बना दी, आपने इस क्वेश्चन के लिए दो नंबर लिखा है, तो आप किसको टू मार्क्स देंगे और किसको वन मार्क देंगे? क्या तीन की लिस्ट बनाने वाले को वन मार्क देंगे और टेन की लिस्ट बनाने वाले को दो मार्क देंगे? आपने तो ऐसा नहीं लिखा, आपने ऑब्जेक्टिव में ऐसा डिसाइड नहीं किया, आपके क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है. सो इट मींस द थर्ड वन इज बेटर देन द प्रीवियस टू बिकॉज इट इज एक्यूरेटली मेजरेबल. एक्यूरेटली मेजरेबल एंड इट हैज अ गुड एक्शन वर्ब, मेजरेबल एक्शन वर्ब. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आई हैव जस्ट साइटेड टू टेल यू दैट हाउ यू कैन फ्रेम अ गुड ऑब्जेक्टिव. व्हेन यू फ्रेम योर ऑब्जेक्टिव, कीप दीज क्राइटेरियाज इन माइंड. लेट अस एनालाइज फ्यू मोर ऑब्जेक्टिव. लर्नर विल बी एबल टू लर्न अबाउट सॉइल प्रोफाइल. Whether it is a good objective? Whether it is a good objective? No, it is not. Why? Learners will be able to learn. What they will learn? Will they will learn type of soil? Will they will learn difference in the soil? Will they will learn where a particular soil is being found? I have not clarified. And they will be able to learn. How will I know that they have learned something? So the able to learn is again not a measurable action verb. So this objective is not a good objective. But if I will replace this objective from this, that learners will be able to differentiate between amphibians and aquatic animals on the basis of their breathing organs. Ab ye example zara dekhiye. Learners will be able to differentiate between amphibians and aquatic animals on the basis of their breathing organs. This is a good example. But if I will improve it, I will say learners will be able to write minimum four differences between amphibians and aquatic animals on the basis of their breathing organs, then that will be even better than this. लेकिन कई बार हम उतना specific अगर नहीं भी हो पाते हैं तो भी हमें specific जहां तक हो सकते हैं होना चाहिए. आइए एक और example देखते हैं. Learners will be able to demonstrate the image formation by concave lens. कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसमें तो demonstration है, अच्छा word है, image formation उन्हें करके दिखानी है concave lens में. लेकिन मैं इसको अच्छा objective नहीं मानता. क्यों नहीं मानता? कि वो इमेज फॉर्मेशन कहां करेंगे? जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि लेंस क्राइटेरिया इज देन सी फ्यू मोर ऑब्जेक्टिव्स. लर्नर विल बी एबल टू लेवल द फोर होराइजंस ऑन ऑफ सॉइल इन अ डायग्राम शोइंग सॉइल प्रोफाइल. अब ये ऑब्जेक्टिव देखिए, पिछले सॉइल वाले ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करिए. लर्नर्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक एनिमल्स. जरा इसको कंपेयर करिए. Learners will be able to draw a ray diagram showing image formation of an object placed at 2f by concave lens. So why I'm giving you these different examples? I just want to sensitize your mind that when you write an objective, please think that which objective should be the best in terms of language and which objective is having all the three criterias decided by maker.